All right, class nine. We will start the third lecture of tenth chapter. First, we talk about the Peninsular River. Okay, as you have seen, we have talked about the Himalayan River, and the second part of this is Peninsular River. भारत के दक्षिण की नदियों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम तो Peninsular River जो हैं उसमें हमारे पास two types of river हैं East flowing river and West flowing river. तो ऐसी नदियाँ जो east से west में बहती हैं वो हैं लूनी साबरमती माही नर्मदा तवा तापी इनमें से दो मेजर नदियों की हम बात करेंगे नर्मदा और तापी की बेस्ट फ्लोइंग में ओके तो द मेजर रिवर ऑफ द पेनसोला महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ओके महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी दीज आर द मेजर रिवर ऑफ पेनिसला इंडिया इन टर्म्स ऑफ वाटर होल्डिंग तो पानी के मामले में ये नदियाँ बड़ी हैं जो मेन रिवर्स मानी जाती हैं और दे फ्लो ईस्टवर्ड टू ड्रेन इन टू बे ऑफ बेंगोल और ये यहाँ से यहाँ बे ऑफ बेंगोल में जाके गिरती है, As you know that जो हमारा है वो यहां पर एक वॉटर डिवाइड का काम करता है ओके दिस इज वेस्टर्न गार्ड। और यहां से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती है वो बे ऑफ बेंगोल में जाके ड्रेन करती है राइट सो right? so, तो यहाँ पर आपको डेल्टा दिखाई नहीं देगा नो डेल्टा वाई बिकॉज ऑफ एबसेंस ऑफ हार्ड रोक एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज तो इन नदियों के पास कोई डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं होती कोई हार्ड रोक से नहीं निकलती तो दैट तो तो इज वाई ये डेल्टा नहीं बनाती हैं ये एश्चुरीज बनाती हैं ओके दिस इज एश्चुरीज ओके द ड्रेनेज बेसिन ऑफ रिवर आर स्मॉल इन साइज तो जब आप बात करते हैं हिमालयन रिवर के साथ इनके कंपेयर की तो हिमालयन रिवर्स जो है उनका डेल्टा या बेसिन बड़ा है इनके मुकाबले बिकॉज दे होल्ड मोर वॉटर दैन दिन वाई दे हैव स्मॉलर डेल्टा राइट फर्स्ट रिवर वी हैव नर्मदा ओके okay? नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक सहदोल मध्य प्रदेश का है वहाँ से ओरिजिनेट करती है एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट इन रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग और फॉल्टिंग की वजह से बनी एक वैली में से ये गुजरती है और इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चरैक्स लोकेशन और अपने रास्ते में चलते हुए काफ़ी खूबसूरत सीन क्रिएट करती है जैसे मार्बल रॉक ये मार्बल रॉक है यहाँ पे शूटिंग भी हुई है काफ़ी फिल्मों की धुआदार फॉल्स ये धुआदार फॉल मध्य प्रदेश के जबलपुर में है ये तो ये यहाँ पर इसकी मेन फीचर्स है नर्मदा रिवर के इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अगर बात करें तो उनमें फ्लो इन द फॉर्म ऑफ डीप गोर्ज तो ये गोर्ज है दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है गहरा उसके गोर्ज कहते हैं तो वहां से गुजरती है ओके दिस इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश ओके इसकी ट्रिब्यूटरीज है हिरन रिवर तवा रिवर कोलर रिवर ओके okay? और यहाँ पर फेमस प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर डैम महेश्वर डैम इंदिरा गांधी सागर डैम तो सरदार सरोवर डैम इस साल आया था सरदार सरोवर डैम जो वो गुजरात में है और राइट right, ये यहाँ पर है तो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इसके ऊपर डैम्स जो बना है ओके दतापी बेसिन ओरिजिनेट इन द बैतूल मध्य प्रदेश ओके बैतूल मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये ओरिजिनेट करती है महादेव हिल्स है यहां पर महादेव की पहाड़ियां हैं सतपुड़ा रेंज में सतपुड़ा के जंगलों में वहां से निकलती है फ्लो इन रिफ्ट वैली पैरल टू नर्मदा और नर्मदा के साथ साथ बहती चलती है रिफ्ट वैली में तापी फ्लो थ्रू द बेसिन कवर मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र और इसका जो बेसिन है वो कवर करता है मध्य प्रदेश को गुजरात को महाराष्ट्र को इन स्टेट्स को रिसीव कर ये स्टेट इसका वाटर रिसीव करते हैं द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती माही भारत और पेरियार और इसके साथ बाकी जो छोटी नदियां हैं जो वेस्ट में जाती हैं वो राजस्थान की है ये माही, पूजा ये माही इसकी प्लेट्यू की है और पेरियार साउथ की है तो ये भी वेस्ट में जाके गिरती है नाउ टॉक अबाउट द गोदावरी गोदावरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर इट इज नोन द दक्षिण गंगा भारत

तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो सहायक नदियां इसमें आके मिलती है ओके तो दिस इज द बेसिन ऑफ गोदावरी और इसके ऊपर फेमस प्रोजेक्ट है पूचम जयकवाड़ी पोलावरम ओके ये है गोदावरी रिवर महानदी बेसिन के बारे में बात करते हैं सो महानदी जो है ओरिजिनेट करती है दंडकारण्य हिल्स दंडिकारेने हिल्स पर महाभारत में आता है दंडकारण्य फॉरेस्ट है यहाँ पर तो उस फॉरेस्ट के ऊपर पहाड़ियां उन पहाड़ियों से निकलती है हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़ फ्लो थ्रू द उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगोल एट सिक्सटी किलोमीटर लॉन्ग और आठ सौ साठ किलोमीटर लंबी है बे ऑफ बेंगोल में जाके गिरती है उड़ीसा से होते हुए महानदी रिवर बेसिन बेसिनिशियड बाई महाराष्ट्र उड़ीसा झारखंड एंड छत्तीसगढ़ और इसका जो बेसिन है वो महाराष्ट्र उड़ीसा झारखंड और छत्तीसगढ़ में जाता है कवर करता है उस एरिया को ओके तो इसके ऊपर फेमस प्रोजेक्ट है हीराकुंड डैम उड़ीसा में है हीराकुंड डैम ये लोकेशन याद रखना है इसके लिए कृष्णा बेसिन की बात करते हैं ओके तो कृष्णा ओरिजिनेट करती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से एक पानी का झरना है वहां से निकलती है 1400 किलोमीटर लॉन्ग है और इसकी ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा भी कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है भीमा मूसी घाट प्रभा कोयना तुंगभद्रा ओके एंड द बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र और इसका बेसिन जो स्टेट्स के थ्रू रिसीव करता है तो यहाँ से महाराष्ट्र से निकलते हुई तेलंगाना आंध्र प्रदेश और फिर बे ऑफ बेंगोल ये इसका रूट है इसके ऊपर फेमस प्रोजेक्ट है कोयना तुंग भद्रा श्रीशैलम नागार्जुन सागर ये डैम ऐसे हैं जो इसके ऊपर बने हैं और काफी इंपोर्टेंट बनाते हैं रिवर कृष्णा को नाउ टॉक अबाउट द कावे कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका का ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से निकलती है इसकी टोटल लेंथ है सेवन हंड्रेड सिक्सटी किलोमीटर एंड मेन ट्रिब्यूटरीज है अमरावती भवानी हेमावती कावेनी एंड द बेसिन ड्रेंस कर्नाटका केरला तमिलनाडु इन स्टेट में इसका बेसिन कवर करता है और कावेरी में इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना बनाना ओके, मेक द सेकंड बिगेस्ट वॉटरफॉल शिव समुद्रम तो ये शिव समुद्रम है जो कृष्ण कावेरी रिवर क्रिएट करती है फर्स्ट बिगेस्ट वॉटरफॉल कौन फाइंड आउट करने लेंगे आपका होमवर्क है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द, दिस इज ऑल अबाउट द हिमा पेंसिला रिवर इन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लेक सो अंटिल देन स्टे से थैंक यू